सबसे पहले तो मैं आपको जिले शाह के बारे में थोड़ा सा बताती चली जाऊं। मेरे हलके का ये बच्चा था और 10 साल से जिस वक्त से मैं उस हलके में गई हूँ वो हमेशा हमारे साथ खान साहब की तस्वीरें लेके झंडे लेके हर वक्त तो बिल्कुल खान साहब का शदाई था। और जब से यहाँ पिछले 1.5 माह से ये बाहर बैठा होता, मेरी उससे रोजाना मुलाकात होती। एक सादा लॉ इंसान, इससे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं दिया, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा प्यार से वो बात करता था, सबके साथ वो मिलता जुलता था। उस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ, जब मैंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिल दहल गया कि ये जिन लोगों ने ये जुल्म किया, क्या इनके घर बाल बच्चा नहीं, औलाद नहीं है जिन्होंने इस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म किया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास जो डिटेल, इसमें उसको 26 इंजरीज थी, यानी एक इंसान को 26 इंजरीज, 26 तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। सबसे अहम जो था वो था कि उसके सर के ऊपर बाकायदा किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यानी किसी डंडे से उसको जोर से उसके सर पे मार के उसका ये जो टेम्पोरल बोन, साइड की बोन होती है, इसका फ्रैक्चर होके और उसका इंट्राक्रेनियल हेमरेज यानी दिमाग के अंदर उसके खून बहना शुरू हो गया था। उसके साथ उसके जो जिस्म के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया खास तौर पे पेट के एरिया में, तो उसकी वजह से उसकी तिल्ली और उसका जो जिगर था वो भी फट गया और उसकी वजह से इंटरनल हेमरेज शुरू हो गई। और जो चौथी सबसे आखिरी जो 26वीं इंजरी है वो सबसे ज्यादा तकलीफ है, वो बेचारा पहले ही तुमने उसको मार डाला, उसके बाद उसके सर पे इंजरी करके उसके जिस्म के ऊपर उसकी तिल्ली भी फाड़ दी, उसकी वो क्या कहते हैं ब्लंट इंजरी की वजह से उसका लिवर भी रप्चर हो गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी उसके जो प्राइवेट आजाद थे उनके ऊपर भी तुमने तशद्दुद करके टेस्टिकुलर डैमेज किया। मतलब इससे ज्यादा तुम किसी इंसान पे क्या तशद्दुद कर सकते हैं? मैं तो ये देख के रिपोर्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हम जैसे डॉक्टर्स जो हर वक्त चीजों से, हमारा भी दिल दहल गया कि ये एक इंसान के ऊपर और वो भी एक ऐसा सादा लॉ इंसान उसके ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद किया। मेन कॉज जो उसकी डेथ की थी वो ये था कि उसके ब्रेन के अंदर जो उसके दिमाग के अंदर जो हेमरेज हो गया यानी खून निकलना शुरू हो गया और जो तिल्ली और उसके जिगर से जो खून निकला उसकी वजह से वो बेचारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया।